तुंगारेश्वर मंदिर में आने के लिए जो लोग पैदल आते हैं उनके लिए खास तौर पे और सबके लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। ये देखिए हैंडपम्प, जैसे हम तो नल चालू करते ही पानी आता है, लेकिन ये हैंडपम्प को प्रेशर डाल के जो पानी निकालने की मजा है, निकालने का मजा है, वो बहुत ही अलग है। सो ये जो आप अभी छत्तर जो घूमते हुए देख रहे हैं ना, बस अंदाजा लगा लीजिए कि ऑफ रोड कैसा है। जैसे गाड़ी चल रही है, बस एक्चुअली मैं हाथ भी स्टेबल नहीं पकड़ पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबलाइजर मोड आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं। और हमारी गाड़ी अभी क्रॉल मोड में है, बिना एक्सीलेटर के फर्स्ट गियर में अपने आप क्रॉल हो रही है। खड़ी चढ़ाई चार पैसेंजर्स है गाड़ी में, फिर भी आराम से जा रही है, हमें कोई एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं है। गाड़ी अभी 900 आरपीएम पे चल रही है और अब पहुंच गए हैं तुंगारेश्वर मंदिर के नजदीक। आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं और मंदिर के यहाँ गाड़ी पार्क करके मंदिर में दर्शन करके आएंगे। अगर वहाँ पे कैमरा अलाउड हुआ तो आपके आपको भी दर्शन कराएंगे, तो देखते रहिए। हियर वी आर एट तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे तुंगारेश्वर धाम है, शिवजी का मंदिर है ये, और ये गाड़ियाँ यहाँ तक आती है। यहाँ पे एक फाटक बना हुआ है, ये तुंगारेश्वर धाम, यहाँ पे एंट्री है। और अब हम ये रास्ते पे यस, सो वी विल पार्क इट हियर एंड टेक विजिट ऑफ तुंगारेश्वर धाम, शिवजी के दर्शन करके आते हैं अभी। ये रास्ता जाता है बाल योगी श्री सदानंद महाराज आश्रम, बहुत बेहतरीन जगह है, 2050 फीट ऊपर है ज़मीन से, और तुंगारेश्वर धाम के यहीं से ये रास्ता ऊपर निकल जाता है। यहाँ से 7 किलोमीटर्स का एक ऑफ रोड ट्रैक है और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये तुंगारेश्वर धाम, ये मंदिर है आगे। सो ये अब एंट्री है तुंगारेश्वर मंदिर के लिए, तुंगारेश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडल। मंदिराची वेळ सकाळी 6 ते संध्याकाळी 8, सोमवारी रात्री 10 वाजेपर्यंत। पूर्वीपेक्षा आता मंदिरामध्ये भरपूर सुधारणा झाली आहे, बहुत ही सुधार हो गया है अभी मंदिर के परिसर में। ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी खाने पीने के लिए, चाय नाश्ते के लिए सुविधा है, स्टॉल्स है मंदिर में देने के लिए, चढ़ाने के लिए फूल और बाकी थाली पूरी यहाँ पे लेफ्ट में मिलती है। प्रचोदया ओम शांति ओम।
वड और पीपल, ये दोनों वृक्ष आपको हर मंदिर के परिसर में दिखते हैं। क्या महत्व है इनका? शायद पुरातन काल से सब लोग जानते थे कि ये दोनों ही वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और हमने अभी ये स्टॉल चूज़ किया है हमारा नाश्ता करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया उसल मिसल वड़ा पाव, और हमने ऑर्डर किया है नींबू पानी टू रिफ्रेश। यस ओके, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह बनाई जाती है। ऑफ रोडिंग करके, मंदिर में दर्शन करके, बाद में गरम गरम कांदा भजी खाने का मजा ही कुछ और है, है ना? See this. This is called khekda kanda bhaji. It looks like a crab. Yeah, with the sarbat, limbu sarbat. Yes, with limbu sarbat, lemon water. कैसा लग रहा है? Best ready to eat it. Yes, जंगल के बीचों बीच कांदा भजी। So अब हम यहाँ से return journey शुरू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मंदिर का दर्शन हो चुका और पेट बुझा भी हो चुकी। So now we start the return journey. Keep watching. तो इस तरह पूरा ऑफ रोडिंग करके अभी हम लौट रहे हैं, रिटर्न जर्नी कर रहे हैं अभी। और रिटर्न जर्नी में अभी एक दो वाटर क्रॉसिंग आएंगे जो हम आपको दिखाएंगे वापस। तो यू कैन हैव अ लुक एंड कीप वॉचिंग अमेजिंग एडवेंचर्स ट्रैवल व्लॉग्स। रेडी फॉर वाटर क्रॉसिंग। Offroading is done and it is done very well. Thanks to all those who were helping to shoot this video, and hope you all guys like the video. Do share, subscribe to the channel and write down your comments in the box below, so it will motivate us to shoot many such videos in coming times. Thank you for watching. Thank you.